यूपी विधानसभा चुनाव में अब बस चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं। इसके पहले किस दल की कैसी है तैयारी, कौन सी पार्टी किस पर पड़ रही है भारी, कौन सा नेता किससे मिला, किस नेता ने बनाया कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद भी नेताओं का मौके पर चौका लगाने का दौर जारी है, या यूं कहिए कि नेताओं ने जोड़ तोड़ की बैटिंग तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज यूपी की सियासत में बड़ी हलचल पैदा करते हुए यूपी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के ठीक थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह साफ हो गई कि 5 साल तक भाजपा में रहने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने की तैयारी में हैं। वहीं अपने इस्तीफे के बाद एबीपी गंगा से हुई बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि पार्टी में हो रहे अपमान और उपेक्षा की वजह से उन्होंने इस्तीफे का फैसला किया। इतना ही नहीं, इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने कई और बयानों से अपने इरादे जाहिर कर दिए। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में बड़े मनोयोग से मैंने विभागीय उत्तरदायित्व को निभाया, लेकिन जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। अभी 300 प्लस की बात करिए, अब हो पाएगा 222 में 300 प्लस? अब इसका भी उत्तर मैं दूंगा, इसका भी मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि अब उनको पता लगेगा स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। आपने अपने जन्मदिन के कहा था, आपने अपने जन्मदिन के कहा मौर्य के पीछे जनाधार कितना है ये 2022 का विधानसभा चुनाव बताएगा। राजनीतिक निर्णय मैं ले रहा हूँ। डॉक्टर संगमित्रा मौर्य मेरी बेटी जरूर हैं, लेकिन वो बदायूं की सांसद भी हैं। बदायूं की जनता से किए गए वायदे और जवाबदेही को सांसद के रूप में वो निभाएंगी, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूं। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना का फैसला मेरा है, इससे मेरे घर परिवार, बेटी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां जिस रूप में है वो अपने उत्तरदायित्व निभाएगा। ये पहला मौका नहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर पाला बदलने की तैयारी में हैं। कभी बसपा के कद्दावर नेताओं और मायावती के करीबियों में से एक माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2016 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा छोड़ दी थी और फिर भाजपा में शामिल होकर 2017 का चुनाव जीता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद हासिल किया। और अब उसी तर्ज पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर नए ठिकाने की तरफ जाने की ओर इशारा कर दिया है। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अपना इस्तीफा दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के ठीक बाद भाजपा के 3 विधायकों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा की टेंशन को और बढ़ा दिया है। इन 3 विधायकों के नाम है, बांदा की तिंदवारी सीट से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर की तिलहर सीट से रोशन लाल वर्मा और कानपुर की बिल्लौर सीट से विधायक भगवती सागर, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले अपनी ही पार्टी की सरकार पर गरीबों, किसानों और युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। हम लोग सब एक साथ रहेंगे ना, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन वाले हैं, हम लोग दबे कुचले लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने वाले लोग हैं, तो हम लोग एक सिद्धांतवादी लोग हैं। मैं तो जब 4.5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ ना, 4.5 साल से आ रहा है ना, 4.5 साल से आप अपनी सरकार में संघर्ष कर रहे हैं, आपकी नहीं सुनी गई? हाँ, नहीं सुनी गई। आपका भी टिकट कट रहा था क्या? मामला टिकट का नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के अनहित में जो कार्य किए हैं, तो जनता हित में ये लिया गया निर्णय है, पब्लिक हित में लिया गया निर्णय है, टिकट का कोई विषय ही नहीं है। में आप भी जाएंगे मौर्य जी अगर जा रहे हैं तो?
जो भी निर्णय हमारे नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेंगे, हम लोग उस निर्णय के साथ में जहां वो जाएंगे। ये सरकार पूरी अधिकारियों ने चलाई है, पूरी मनमानी की है, पूरे 5 साल तक जैसा चाहा वैसा किया, किसी का सम्मान नहीं किया। इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। आप भी जाएंगे मौर्य जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, समाजवादी पार्टी में बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे।